नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। ऐसा लगता है राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर जुटे किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराए बिना वापस नहीं लौटने वाले हैं। उधर मोदी सरकार ने भी 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जैसे ठान लिया है कि इस बार किसान आंदोलन के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करने वाली है। सरकार और किसानों के बीच मची इस खींचतान के बीच सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और बड़ा ऐलान कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में निकाले गए किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान किस कदर हिंसा और अराजकता फैलाई गई, ये पूरे देश ने देखा था। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने से लेकर पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला तक हुआ। इस उपद्रव के बाद दिल्ली सीमा पर जुटे किसानों ने अब ऐलान किया है कि आने वाली 6 फरवरी को वो देश भर में चक्का जाम करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में होने जा रहा किसानों का ये चक्का जाम दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान सड़कें ब्लॉक की जाएंगी। किसान नेता गुरनाम चडूनी ने चक्का जाम करने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार किसान आंदोलन से इतना घबरा गई है कि पत्रकारों पर भी हमले किए जा रहे हैं। गंभीर मुकदमे दर्ज करवाने के साथ साथ इंटरनेट भी बंद किया जा रहा है। इन सब के बावजूद हमें उम्मीद है कि ये चक्का जाम 100% सफल होगा। बाकी तो सभी लोगों ने सभी बातें बताई दी, लेकिन सरकार जो है एक तरह से घबरा गई है इस आंदोलन से, और आप देख रहे हैं उसके घबराने का सबूत है पत्रकारों पे हमले करने। पहली बार हम देश में देख रहे हैं इस तरह का, और गंभीर मुकदमे बनाने और अपने गुंडों से हमले करवाने, नेट बंद कर देना। नेट बंद तभी तो किया कि सच्चाई ना फैल जाए, असलियत ना फैल जाए, लोग और ज्यादा ना आ जाए, ट्रेनों का मुंह मोड़ देना। और जो हमारे इस आंदोलन में हेल्प कर रहे हैं उनके उन पर नोटिस दे देना, उनके ट्विटर बंद कर देना, मुकदमे बना देना, कितने लोग उठा रखे हैं अभी तक लापता है। ये सब सरकार के एक डरी हुई सरकार है उसका जो है वो सबूत है। और लेकिन ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन सब यातनाओं के बावजूद और आगे बढ़ेगा, और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इसमें अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाएं। इधर किसानों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को और धार देते हुए 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। तो उधर सरकार की ओर से भी इस आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की संभावित हिंसा और अराजकता को रोकने के लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग के पास सड़कों पर कील ठोक दी है, जिससे किसी वाहन से बैरिकेडिंग को ना तोड़ा जा सके और किसान भी बैरिकेडिंग के पास फटक ना सके। इसके अलावा ये भी खबर है कि सरकार ने इंटरनेट बंद करने के साथ साथ बिजली पानी का कनेक्शन भी काट दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की सलाह दी है। साथ ही किसानों की ओर से लगाए जा रहे अवैध गिरफ्तारी के आरोपों पर भी सफाई दी और कहा कि अब तक 44 FIR दर्ज की गई है और किसान आंदोलन से जुड़े 122 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें 44 FIR करी है, 44, और 122 लोगों को अरेस्ट किया है, 122। तो इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी को भी इलीगली डिटेन नहीं किया गया है, ना बिठा के रखा गया है। जो ये इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू 44 FIR और 122 अरेस्ट, ये हमने अपनी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे शेयर कर दी है, जितनी हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत कर सकते हैं। इसके अलावा कंसर्न पुलिस स्टेशन और उनके कंट्रोल रूम में पूरी इंफॉर्मेशन है। कोई भी जो आदमी या औरत अगर अरेस्ट हुआ है तो उसके घर वाले या उसके जानकार उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ये कदम हमने वेबसाइट पर डालने का आम जनता को फैसिलिटेट करने के लिए उठाया है। तो मैं आपके ज़रिए ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी अफवाहों पे ध्यान ना दें। जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई कानूनी की गई है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, फेयर है। बता दें, दिल्ली में हुई हिंसा के बावजूद मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को वार्ता जारी रखने का प्रस्ताव दिया, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि 11 दौर की बेनतीजा रही वार्ता के बाद किसान और सरकार के बीच फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन किसानों का आरोप है कि समाधान के लिए बातचीत करने वाले पीएम को पहले ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे शांति स्थापित हो।
एक तरफ फोर्स भेजी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। सरकार के इस रवैये से ही नाराज किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है, जो है तो सरकार के खिलाफ, लेकिन इससे आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल सरकार और किसानों के बीच जारी इस खींचतान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।